टेक्नोलॉजी अलग है, ये लोहे वाली बहुत छोटी मैग्नेट होती है। आप सबका स्वागत है, मैं इसमें आज हम आपको दिखाएंगे एक स्टूडियो प्लस का फ़ैन का मोटर, जो कि हम दिखाएंगे इसके अंदर क्या होता है और इसको खोल के दिखाएंगे आपको इसके अंदर क्या होता है, कैसे काम करता है। सबसे अच्छी बात ये देखिए, ये BLDC मोटर होता है और इसको 5 स्टार मिलते हैं रेटिंग। ये देखिए 5 स्टार रेटिंग है इसको, और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। और इसकी जब ये घूमता है देखिए लाइट जलती है इसमें, और ये BLDC होता है कहलाता है। ये देखिए घुमाते हैं इसको, इसका वजन भी बहुत हल्का होता है। और इसके अंदर क्या होता है, जो इसकी स्पीड तेज होती है और काफ़ी अच्छी हवा होती है, वो हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। इसको ओपन करके इसके अंदर कि क्या होता है, देखिए प्लास्टिक केस लगा होता है पूरा वुडन का, प्लास्टिक में वुडन कलर का, और ये प्लास्टिक का है। लेकिन मेन मोटर तो ये है ना, तो इस मोटर को खोल के दिखाएंगे किस मोटर में क्या होता है। मोटर खोलने से पहले आपको बताते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए पेंच कस आ गया और इसको खोल के दिखाते हैं। जब तक खोल रहे तब तक आपको बताते हैं कि हमारी एक वेबसाइट है जिसका नाम है CMR.in, उस पर जाइए और कोई भी फ़ैन वगैरह आपको परचेस करना है तो परचेस कर सकते हैं। वहाँ पर अच्छे अच्छे ऑफर चलते हैं, वहाँ पर जाइए जल्दी से फटाफट परचेस कीजिए। ये यहाँ से ये देखिए ढीला हो गया, लेकिन ये यहाँ से नहीं खोलेगा, पहले ये फ्रेम निकलेगा, फ्रेम इसका यहाँ से ऐसे निकलेगा। देखिए और कोई स्क्रू लगाए नहीं लगाए। ये देखिए ढक्कन ओपन आ गया, ऊपर आ गया। और ये देखिए मोटर एक कैसा है, अजीब सा मोटर है ये फ्रेम है और ये अजीब सा मोटर है बहुत। देखिए इसी तल का था, क्योंकि इसके अंदर यही होता है पूरे फैन में। ये देखिए ये BLDC टेक्नोलॉजी है, और इसको भी हम खोलते हैं, इसका कवर इसका खोलते हैं। और ये बहुत अजीब मोटर है, क्योंकि बहुत छोटा सा मोटर है। देखिए हम दिखाते हैं आपको, देखिए स्टूडियो प्ले वाला ये मोटर था, इसके ऊपर एक कवर लगा हुआ था इसके ऊपर, ये देखिए ऐसे करके। तो ये इतना साइज में बड़ा लग रहा था, लेकिन ये हल्का सा छोटा सा है, और ये मोटर काफ़ी अच्छा बेहतर लग रहा है मुझको। और चलिए इसको निकालते बाहर, इसके सेफ्टी कवर को। इसको निकालते बाहर, देखिए कहीं अटका हुआ है, ये वायर अटके हुए हैं इसके, पहले इसके वायर भी खोलने पड़ेंगे। और इसका कलर याद रखिएगा, नीला और पीला और लाल, इसमें लिखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं लिखा होगा तो कोई बात नहीं। ये तार बाहर आ गए, और जो कनेक्शन वायर जो है ये भी निकालना होगा अभी। ये देखिए ये होता है इसके अंदर सर्किट बोर्ड, ऐसा सर्किट बोर्ड होता है, ये LED वगैरह लगी हुई है, और ये मोटर होता है। इसको भी हम आपको निकालते हैं, निकाल के दिखा देते हैं। इसका निकलेगा ऐसे खींचेंगे तो ये तार निकल जाएगा। अब देखिए अब पूरा बाहर आ गया, और इसको पूरा खोल के दिखाने के लिए क्या करना होगा, ये बोल्ट स्क्रू निकलेंगे। जी देखिए काफ़ी ज़्यादा स्क्रू लगाए गए हैं इसके अंदर, इधर उधर इधर उधर। अब निकला है फाइनल बाहर, ये देखिए इसका ये मदरबोर्ड होता है स्टूडियो प्लस का, ऐसा होता है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 बल्ब बटन है, और ये BLDC फैन है, इतना सा है। देखिए ये देखिए इतना सा फ़ैन था खाली, और इतना बड़ा सा कवर लगा हुआ था, इतना बड़ा। देखिए असली फ़ैन इतना सा ही स्टूडियो प्लस का। और इसमें देखिए क्या लगा हुआ है, देखिए यहाँ से AC लाइट जाती है बाहर डायरेक्ट, और इसको भी बैटरी से चला सकते हैं। इसको बैटरी चलाने का तरीका हमने आपको बताया था पहले भी, और अभी भी बता देंगे बाद में इसको बैटरी से कैसे चलाएं। ये देखिए यहाँ से ये वायर आते हैं, इस पर कुछ लिखा नहीं है, और ये रिमोट वाला सेंसर है, रिमोट सेंसर होता है ये, और बाकी काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी। और हीटिंग वगैरह, ये ट्रांसफार्मर, ये 24 वोल्ट में चलता है, तो आपको पहले ही पता होगा, और हम फिर से बताते हैं ये 24 वोल्ट में चलता है। और ये देखिए इसका ये कवर भी निकाल के दिखाते हैं, ये कवर निकाल के दिखाते हैं इसके। ये देखिए कुल मिलाकर इतना सा ये है, ये देखिए ऐसे घूमता है, और इसमें ये मैग्नेट लगे हैं, परमानेंट मैग्नेट लगे हैं, लेकिन ये वाले मैग्नेट नहीं लगे हैं,
ये जो चिम्बक आती है स्टील कलर की, जो ये काफ़ी पावर वाली लगी होती है। सिंपल वाली मैगनेट जैसे ये हमने खोला था, इसमें देखिए काले वाला ये मैगनेट लगी हुई है, ये काली मैगनेट है इतनी चौड़ी सी, ठीक है। लेकिन इसमें ये मैगनेट टेक्नोलॉजी अलग है, ये लोहे वाली बहुत छोटी मैगनेट होती है वो है ये, और काफ़ी ज़्यादा लगी देखिए, 21 मैगनेट लगी इसके अंदर पूरी टोटल। और ये बाहर निकलेगा कैसे, ये बाहर नहीं निकल पाएगा, इसमें दिक्कत है कि अगर हम बाहर निकल देंगे तो मोटर ख़राब हो जाएगा पूरा। ये देखिए स्ट्रक्चर इतना ही होता है। ये देखिए हमने आपको दिखाया कि इसमें ये कंट्रोल पैनल लगाते हैं, इसका ये जो है सर्किट बोर्ड ये काफ़ी हैवी है। और ये देखिए रेनेसा का फ़ैन है, ये हमने खोला था, और इसमें सर्किट बोर्ड इतना छोटा सा है, और जबकि इसका सर्किट बोर्ड है इतना बड़ा है, ठीक है। ये देखिए कंपेयर कर लीजिए, स्टूडियो ये रेनेसा का सर्किट बोर्ड है, ये स्टूडियो प्लस का है, और इसका मोटर देखिए, इसका मोटर कितना छोटा और कितना अच्छा है। और आपको बता दें इसमें डिफरेंट क्या है, इसमें डिफरेंट ये है कि मैग्नेट लगी हुई है, देखिए जी काली वाली मैग्नेट जो बड़ी वाली आती थी वो लगी हुई है, लेकिन इसमें जो मैग्नेट लगी हुई है ये परमानेंट मैग्नेट है वो वाली है, जो स्टील की लगी होती है, उसका नाम नहीं याद आ रहा मुझे, लेकिन ये मैग्नेट काफ़ी पावरफुल होती है, ये देखिए। और बाकी स्ट्रक्चर में कुछ भी नहीं है, खाली मैग्नेट है और इतना छोटा सा मोटर है, देखिए 1 इंच का होगा मोटर। बाकी आप इसको डायरेक्ट हम चला कर दिखाते हैं अभी आपको कि डायरेक्ट कैसे चलता है। आपको दिखाया मोटर के अंदर क्या होता है, और हमने इसको दिखाया कि मोटर के अंदर कितनी चीज़ें होती है, देखिए ये सर्किट बोर्ड और एक कवर, और इसके ऊपर ये कवर और ये मेन कवर, इतनी चीज़ होती है एक स्टूडियो प्लस फैन में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, जिनका सेव कीजिए, आने वाली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे ये जो बैटरी होती है, देखिए इस बैटरी से हम कैसे इस पंखे को चलाएंगे डायरेक्ट, और सर्किट बोर्ड हटाकर या फिर किसी और का सर्किट बोर्ड लगाकर इस सर्किट बोर्ड को लगाएंगे और इसको चला कर दिखाएंगे कितने छोटे सर्किट बोर्ड से कितनी देर चलता फ़ैन। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आने वाले समय में और भी अच्छी अच्छी वीडियो आएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये फ़ैन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाइए और वहाँ परचेस कीजिए इस फ़ैन को या किसी भी फ़ैन को। चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।